हेलो गाइस, वेलकम टू लॉ टाई। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वेरियस स्टेजेस ऑफ क्राइम। बेसिकली चार स्टेजेस होती है क्राइम कमिट करने के लिए। फर्स्ट होती है इंटेंशन, सेकंड है प्रिपरेशन, थर्ड है अटेम्प्ट, फोर्थ है कमीशन। इसमें से इंटेंशन और प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं होते हैं, पर अटेम्प्ट और कमीशन हमेशा पनिशेबल होते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं ये चारों स्टेजेस। एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनमें झगड़ा हुआ। हस्बैंड ने सोचा कि मैं इसको मार देता हूँ। हस्बैंड बाहर गया और पॉइजन लेकर आया। देन पॉइजन उसने अपनी वाइफ की चाय में मिला दिया। वो चाय वाइफ ने पी और वो मर गई। अब इसमें जब उसने वो सोचा कि मैं उसको मार देता हूँ, ये हुआ उसका इंटेंशन। जब वो पॉइजन लेकर आया, ये हुआ प्रिपरेशन। जब वो उसने चाय में पॉइजन को मिक्स किया, ये हुआ अटेम्प्ट। जब वाइफ ने चाय पी ली फाइनली और वो मर गई, ये हुआ कमीशन, डेट मीन्स कम्प्लीशन ऑफ क्राइम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंटेंशन और प्रिपरेशन है वो पनिशेबल नहीं है। अब समझते पनिशेबल क्यों नहीं है। कोई भी पर्सन अगर माइंड में कुछ सोच रहा है तो वैसे भी ये हम नहीं जान पाएंगे कि वो क्या सोच रहा है। अगर वो गलत भी सोच रहा है तो भी हम उसके दिमाग में तो नहीं झांक सकते हैं, क्योंकि ये एक मेंटल कॉन्सेप्ट है। इसको प्रूफ करना भी इम्पॉसिबल हो जाता है अपने लिए। ऐसे ही प्रिपरेशन में होता है, जैसे हस्बैंड बाहर से वो पॉइजन लेकर आया, इससे ये थोड़ी प्रूफ कर सकते हैं कि वो वाइफ को मारने के लिए ही लाया हो। मे बी पॉसिबल कि उसके घर में चूहे ज़्यादा हो, इसलिए प्रिपरेशन को भी प्रूफ करना इम्पॉसिबल है। अब डिटेल में समझते हैं इंटेंशन क्या है। इंटेंशन फर्स्ट स्टेज होती है क्राइम कमिट करने के लिए। इंटेंशन भी दो होते हैं, एक होता है बोनाफाइड, एक होता है मालाफाइड। बोनाफाइड मतलब होता है इन गुड फेथ, मालाफाइड मतलब होता है इन बैड फेथ, मतलब इलीगल या डिसऑनेस्ट। कोई भी काम अगर बोनाफाइड इंटेंशन से हुआ है तो वो काम अच्छा है, वो क्राइम में नहीं आएगा। पर यहाँ पर अपने को कौन सा इंटेंशन चाहिए होगा, मालाफाइड, जो कि बैड फेथ में हो, इलीगल हो, डिसऑनेस्ट तरीके से हो। इंटेंशन में ज़्यादा समझने जैसा कुछ नहीं है, बस ये एक मेंटल स्टेज होती है जो पनिशेबल नहीं होती है। एग्जांपल के लिए देखते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई थी, जब हस्बैंड ने सोचा कि मैं अपनी वाइफ को मार देता हूँ, तो ये उसने क्या सोचा, सिर्फ मेंटल लेवल पे ये चीज़ सोची उसने। अब समझते हैं प्रिपरेशन क्या है। ये सेकेंड स्टेज होती है क्राइम कमिट करने के लिए। सबसे पहले तो ऑफेंडर का इंटेंशन सेट होता है, उसके बाद वो प्रिपरेशन करता है। वैसे प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं होती है, पर सीरियस मैटर में ये पनिशेबल होती है। एक एग्जांपल देखते हैं, ए ने पिस्तौल परचेस करी, पिस्तौल को लोड करके पॉकेट में रखी बी को मारने के लिए। बी अगर कोर्ट में जाके बोले कि वो जो लोडेड पिस्तौल थी वो मुझे मारने के लिए थी, तो ये प्रूव करना इम्पॉसिबल है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफेंस कब है। जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कोई प्रिपरेशन करता है बॉम्ब बनाने की या हथियार बनाने की, तो वो ऑफेंस है और वो पनिशेबल भी है, जैसे सेक्शन 122 में बताया है। सेकेंड बताता है कि इंडिया की जो फ्रेंडली कंट्रीज है, अगर उसमें कोई लूटपाट करने की प्लान करता है या फिर लड़ाई की प्लानिंग करता है, प्लानिंग मीन्स प्रिपरेशन करता है, तो वो भी ऑफेंस है। वैसे डेकोरेटिव की प्रिपरेशन भी ऑफेंस है। बाकी जो ये सारे सेक्शन है इसमें प्रिपरेशन ऑफेंस है। अब बात करते हैं अटैम्प्ट की। अटैम्प्ट थर्ड स्टेज होती है क्राइम में। प्रिपरेशन के जस्ट बाद अटैम्प्ट डायरेक्ट मूवमेंट होता है क्राइम कमिट करने के लिए। अटैम्प्ट सारे लीगल सिस्टम में पनिशेबल होता है। अटैम्प्ट के तीन असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है इंटेंशन का होना। क्राइम कमिट करने में एक इंटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड आता है अगर कोई एक्ट करने की तैयारी कर ली है या एक्ट कर दिया है। थर्ड है ऐसा कोई एक्ट जो इनकम्प्लीट हो अभी, या कम्प्लीटेड क्राइम में एक शॉर्टफॉल आ गया हो, जैसे कि लेडी ने वो चाय आधी पी हो, वो मरी तो नहीं पर बस बेहोश हो गई। इंडियन पिनल कोड में अटैम्प्ट के पनिशमेंट तीन तरह से बताए हैं। फर्स्ट होता है जिसमें ऑफेंस और उसके अटैम्प्ट के पनिशमेंट सेम सेक्शन में ही बता रखे हैं, जैसे सेक्शन 121। दूसरा होता है जिसमें ऑफेंस और उसके अटैम्प्ट के पनिशमेंट अलग अलग बता रखे हों, जैसे सेक्शन 302 और 307। जैसे 302 बात करता है मर्डर के पनिशमेंट की, 307 बात करता है अटैम्प्ट टू मर्डर के पनिशमेंट की। अब कुछ ऐसे भी ऑफेंस होते हैं जिसमें ऑफेंस की तो पनिशमेंट है बट उनके अटैम्प्ट की पनिशमेंट कहीं नहीं बताई है। अब सेक्शन 511 बोलता है कि जिन ऑफेंस के अटैम्प्ट की पनिशमेंट कहीं भी डिफाइन नहीं की है, वो सेक्शन 511 में रखा जाए। जितनी उस ऑफेंस की पनिशमेंट होगी उसकी हाफ पनिशमेंट अटैम्प्ट की होगी। लास्ट है कमीशन। कमीशन लास्ट स्टेज होती है क्राइम कमिट करने के लिए। यह हमेशा पनिशेबल होती है। अगर अक्यूज्ड कमीशन में सक्सेस हो जाए तो भी पनिशेबल है, और सक्सेस नहीं हो तो भी पनिशेबल होगा अटैम्प्ट के लिए।
ये सिंपली बोलता है कि क्राइम का कंप्लीट हो जाना कमीशन है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।